दोस्तों मुझे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं एडिडास रनिंग शूज़ को लेकर, जिसमें आप लोगों ने बेस्ट एडिडास रनिंग शूज़ के बारे में पूछा है, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी रनिंग को इम्प्रूव करने में, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, और साथ ही साथ प्राइस के मामले में ये काफ़ी कम है और वहीं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों वैसे तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स के रनिंग शूज़ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो टॉप लीडिंग ग्लोबली एक्सेप्टेड ब्रांड्स होते हैं लाइक नाइकी, एसिक्स, एडिडास, इनके शूज़ जो होते हैं, इनके जो रनिंग शूज़ होते हैं, चाहे आप जिम शूज़ ले लीजिए, चाहे आप रनिंग शूज़ ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर अगर आप एडिडास के रनिंग शूज़ ढूंढ रहे हैं और आपका बजट अराउंड 5000 के आसपास है, तो आप इन रनिंग शूज़ को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये रनिंग शूज़ आपको 2000 से लेके 5000 के बीच में मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छे रनिंग शूज़ हैं, इनकी जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी है, इसके साथ ही साथ जो इनका वेट है वो भी लाइट वेट है, और इसके साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देखने को मिल जाती है। लुक वाइज भी ये रनिंग शूज़ काफ़ी स्टाइलिश है। दोस्तों नाइकी, एसिक्स, प्यूमा, रिबॉक, इन रनिंग शूज़ के साथ साथ एडिडास भी एक ग्लोबली एक्सेप्टेड ब्रांड है और काफ़ी लीडिंग ब्रांड है। ग्लोबली इसके रनिंग शूज़ काफ़ी पॉपुलर हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके रनिंग शूज़ की वो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों इसका जो प्राइस टू क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी के मामले में ये रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है इन रनिंग शूज़ में, और साथ ही साथ प्राइस के मामले में काफ़ी कम है। दोस्तों अगर आपका बजट 5000 से कम है और आप एडिडास के रनिंग शूज़ परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। इसके अंदर हमने जो टॉप 5 एडिडास के रनिंग शूज़ कवर किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं डिफरेंट रनिंग शूज की, जिसके अंदर हमने नाइकी को कवर किया है, जिसके अंदर हमने एसिक्स को कवर किया है, और साथ ही साथ आज हम कवर कर रहे हैं एडिडास के टॉप 5 मिड रेंज रनिंग शूज को, जो आपको अराउंड 2000 से लेके 5000 के बीच में मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें, जहां पे आपको डेली हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों हमारे बेस्ट एडिडास रनिंग शूज अंडर 5000 के अंदर एडिडास का मेंस एडी फ्लोस एम रनिंग शूज हमारे 5th इन द लिस्ट है। दोस्तों जहां तक बात आती है एडिडास रनिंग शूज की, तो नाइकी, एसिक्स, प्यूमा एंड एडिडास कुछ ऐसे नाम हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स शूज से लेके आपको रनिंग शूज और जिम शूज आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों बात करें एडिडास मेंस एडी फ्लोस के फीचर्स की, तो इसका जो अपर मटेरियल है वो ब्रीदेबल मैश का बना है, जो इस रनिंग शूज को वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग और आपके फीट को ड्राई रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बेटर कुशनिंग के लिए इसमें ऑर्थोलाइट शॉक लाइनर का यूज किया गया है, जो इसे काफी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड कराता है। वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको इस रनिंग शूज में कंफर्ट इन सोल देखने को मिल जाता है फॉर बेटर कुशनिंग। वहीं दोस्तों बात करें इस रनिंग शूज के आउटसोल की, तो उसमें रबर का यूज किया गया है फॉर बेटर ट्रैक्शन एंड ग्रिप, जो आपको काफी अच्छा ट्रैक्शन एंड ग्रिप प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग। वहीं दोस्तों बात करें इस रनिंग शूज के वेट की, तो अराउंड 250 ग्राम है, जो एक्सट्रीमली लाइट वेट है, जो इस रनिंग शूज को काफी अच्छा रनिंग शूज बना देता है। लुक वाइज ये रनिंग शूज काफी स्टाइलिश है, इसमें आपको 3D स्प्लैश प्रिंटिंग देखने को मिलती है इसके। आप इस रनिंग शूज को कैजुअल भी वियर कर सकते हैं, आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होती है, कैजुअल लुक के साथ भी काफी अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप इस रनिंग शूज को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वही दोस्तों बेस्ट मिड रेंज एडिडास रनिंग शूज के 4th इन द लिस्ट है एडिडास का परफॉर्मो एम रनिंग शूज। दोस्तों जहां तक इस रनिंग शूज के फीचर्स की बात है, तो इसका जो अपर मटेरियल है उसमें ब्रीदेबल मैश का यूज किया गया है फॉर बेटर ब्रीदेबिलिटी ड्यूरिंग द रनिंग। दोस्तों साथ ही साथ आपको इसमें बाउंस मिडसोल डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो आपको रनिंग के दौरान फॉरवर्ड पुशिंग में हेल्प करता है, जो आपके मोमेंटम को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों मुझे इसका काफी अच्छा फीचर लगा। वही दोस्तों इसके आउटसोल की बात करें, तो इसमें रबर एंड ईवीए का यूज किया गया है, जो आपको बेटर ग्रिप एंड ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग और आपके पेस को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। वहीं बात करें अगर इस रनिंग शूज के वेट की, तो अराउंड 900 ग्राम है, ड्यू टू बाउंस मिड सोल इसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छी है। वहीं इसके लुक वाइज बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको स्टाइलिश स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है, बैक ऑफ द शूज स्टाइलिश लुक है इसका, तो ये काफी स्टाइलिश लुकिंग रनिंग शूज है और आपको काफी अच्छा लगेगा जब आप इसको पहनेंगे।
दोस्तों आप इसे कैजुअल लुक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस रनिंग शूज़ को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एडिडास का सिंथेटिक फ्रेजर एम रनिंग शूज हमारे थर्ड इन द लिस्ट है एज पर द प्राइस एंड क्वालिटी, हमारे थर्ड इन द लिस्ट है। दोस्तों अगर हम इस रनिंग शूज के फीचर्स की बात करें तो जो इसका अपर मटेरियल है वो सिंथेटिक ब्रीदेबल मैश का बना हुआ है, जो इस रनिंग शूज को बेटर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ काफी अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग, जो आपके फीट को ड्राई रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों बेटर कुशनिंग एंड सपोर्ट के लिए इस रनिंग शूज के अंदर ऑर्थोलाइट शॉक लाइनर का यूज किया गया है, जो आपको काफी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड कराता है और काफी अच्छा सपोर्ट देता है, जिससे रनिंग के दौरान होने वाले शॉक से ये रनिंग शूज आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको काफी अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग। दोस्तों किसी भी अच्छे रनिंग शूज में बेटर कुशनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जब भी आप रनिंग करें तो आपको शॉक ना लगे और आपको इंजुरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए। दोस्तों वहीं अगर हम इसके इंसोल की बात करें तो इसमें कंफर्ट इंसोल का यूज किया गया है, वहीं अगर हम इसके आउटसोल की बात करें तो इसमें ईवीए का यूज किया गया है, जो आपको काफी अच्छी बेटर ग्रिप एंड ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द रनिंग और आपके पेस को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों प्राइस टू क्वालिटी ये रनिंग शूज काफी अच्छा है, वहीं हम इसके वेट की बात करें तो वो अराउंड 250 ग्राम है, जो एक्सट्रीमली लाइट वेट है, जो इसका एक प्लस साइन है। वही हम बात करें इसके लुक वाइज की तो दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टाइलिश है। अगर आप इस रनिंग शूज़ को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वही दोस्तों बेस्ट एडिडास रनिंग शूज़ अंडर 5000 के अंदर हमारे सेकंड इन द लिस्ट है एडिडास का मेंस रन फैल्कन 2.0 रनिंग शूज़। दोस्तों अगर हम इस रनिंग शूज के फीचर्स की बात करें तो जो इसका अपर मटेरियल है वो ब्रीदेबल मैश का बना है, जो इस रनिंग शूज को काफी एयरी बना देता है और आपके फीट को ड्राई रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है जब आप रनिंग करते हैं। वही दोस्तों इस रनिंग शूज में लाइट वेट मिड सोल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है फॉर बेटर कुशनिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, जो आपको काफी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग और रनिंग के दौरान होने वाले शॉक से आपको बचाता है। वही दोस्तों इस रनिंग शूज के आउटसोल की बात करें तो इसमें रबर का यूज किया गया है, जो को काफी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, इसके साथ ही ये रनिंग शूज को काफी ड्यूरेबल बना देता है। वहीं दोस्तों अगर इस रनिंग शूज के वेट की बात करें तो वो अराउंड 800 ग्राम है और लुक वाइज ये रनिंग शूज काफी स्टाइलिश है। अगर आप इस रनिंग शूज को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे बेस्ट मिड रेंज एडिडास रनिंग शूज के फर्स्ट इन द लिस्ट है एडिडास का मेंस कॉन्सोटो रनिंग शूज। जहां तक बात करें दोस्तों इस रनिंग शूज के फीचर्स की तो जो इसका अपर मटेरियल है वो टेक्सटाइल ब्रीदेबल मैश का बना हुआ है, जो इसे काफी अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग और आपके फीट को ड्राई रखने में हेल्प करता है। अगर बात करें इस रनिंग शूज के कुशनिंग की तो इसमें ऑर्थोलाइट शॉक लाइनर आपको देखने को मिल जाता है फॉर बेटर कुशनिंग और आपको एक काफी कंफर्ट फील प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग। वहीं इसके इंसोल में आपको ईवीए देखने को मिल जाता है कुशनिंग के साथ साथ, जो आपको स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसका आउटसोल में आपको रबर एंड ईवीए देखने को मिल जाता है, जो इस रनिंग शूज को काफी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, इसके साथ ही आपको काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी इस रनिंग शूज में देखने को मिलती है। दोस्तों इस रनिंग शूज का जो वेट है वो अराउंड 850 ग्राम है, लेकिन ये रनिंग शूज क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। दोस्तों अगर इसके लुक वाइज बात करें तो लुक वाइज ये रनिंग शूज देखने में स्टाइलिश है। अगर आप इस रनिंग शूज को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस रनिंग शूज को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो टॉप 5 एडिडास रनिंग शूज की, जो आपको मिड रेंज यानी कि 2000 से लेके 5000 के आसपास मिल जाते हैं, जो प्राइस के मामले में काफी कम है और क्वालिटी के मामले में प्रीमियम क्वालिटी के रनिंग शूज हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछना ना भूलें। दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।